पठानकोट के साथ लगते गांव सरना में पुरानी रंजिश के चलते शाम को वॉलीबॉल खेलकर अपने घर वापस आ रहे दो युवकों को कुछ लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस संबंधी जानकारी देते हुए घायल युवकों के रिश्तेदार कृष्ण मोहन ने बताया कि गंभीर रूप से घायल इन दोनों युवकों को इलाज के लिए पठानकोट के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया है। दोनों का इलाज कर रहे डॉक्टरों में एक की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें आगे इलाज के लिए अमृतसर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया गया है। मेरा नाम कृष्ण मोहन, परसों रात को झगड़ा झगड़ा होया सी सरने दे विच, क्योंकि दोनों मुंडे से जिहड़े घर जा रहे अपने उत्थे वॉलीबॉल खेल रहे, पहला वॉलीबॉल खेल के उत्थों वापस घर जा रहे। किसी ना मुंडे ना पहले पहला रंजिशबाजी से कोई पुरानी, तो उन्होंने बाहरों मुंडे बुला के इन्हों जरा हमला किया दोवें, तो उस तो बाद असं जरा इन्हों लै के रात को परसों रात को सिविल हॉस्पिटल आए हैं। उस तो बाद सिटी स्कैन वगैरह करवाई, एक्सरे वगैरह करवाए, तो इन्हों की कंडीशन जी बड़ी बहुत ज़्यादा खराब है। इतने सूँ जरा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जरा इन्होंने देखते हुए सूँ अमृतसर रैफर किया। इन्होंने ड्रट मारे आ, इटा मारियाँ या रोए दियाँ रोडा सी वह मारियाँ, बिच जनानियाँ भी बिच काफ़ी आ गई, नाल परिवार का सारा कोई 25-30 मुंडे जो 12 से जनाने सारे हथियार फड़े थे, रॉड सी ड्राट सी या होर भी कुछ है सी, काफ़ी जड़े मुंडे आए थे जड़े ए 3 जने सी, क्योंकि बाकी सारे मुंडे चल गए सी खोल के, तो 3 जने जड़े से कट्ठे घर नू जा रहे सी, क्योंकि तीनों कजन ब्रदर आ, तो कट्ठे घर नू जा रहे ही, ते और तो बाद जिहड़ा उन्होंने पिछों आके एकदम हमला किया इन्हां ते, ते पुलिस भी अजे तक बयान लैन ते कोई नहीं आई। पुलिस ने अं जिहड़ा थाने रिपोर्ट की है, असी पुलिस नूं भी यही कहने कि जो बनती कार्रवाई आ इन्हां ते की जाए। दूसरा जिहड़ा सानूं सिविल होस्पिटल तो भी इन्ना जो पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं मिल रहा, जबकि असी एक ब्लड डोनर सोसायटी तो हाँ, एक ब्लड डोनर सोसायटी असी चला रहे हैं। पिछले 8 साल तो असं सिविल होस्पिटल के नाल बड़ी ज़्यादा एमरजेंसी जी हो रही है, अं हेल्प कर रहे हैं ब्लड डोनेशन दे विच भी, या कोई पैसे की हेल्प किसी पेशेंट की भी कर रहे हैं। अज साड़ी समाज सेवी संस्थावां अगर सिविल होस्पिटल की जरूरत पई है, अज सानू भी इन्हां तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, या सानू कुछ दस नहीं से क्लीयर, बस इन्होंने लिखता कि तुसीं अमृतसर लै जाओ, अगर कुछ सानू लिख के देन कि अमृतसर लै के जाओ केस के बेस तो, कि पेशेंट की कंडीशन की है, असी उस बेस से पुलिस ने भी कंप्लेन असी कर सकीए कि जी सू सिविल होस्पिटल तो भी पॉजिटिव जी खबर कोई नहीं आ रही। SMO साहब ना गल हुई है साड़ी, SMO साहब कह रहे कि ताड़ी जी रिपोर्ट है अमृतसर तो ही आनी है। हूँ भी मेरी डॉक्टर ना गल हुई है, जो ड्यूटी पर है, उन्होंने मैं डॉक्टर साहब ना गल की कि सर साड़ी एडमिट फाइल जी नहीं बनी, साड़ी एडमिट फाइल बनाओ। वो कहते कि जिन्होंने तुम्हें एडमिट किया एमरजेंसी के, उन्होंने ही ताकि एडमिट फाइल बनानी है। मैं सर वो तो छुट्टी दे हूँ, वह हो नहीं ड्यूटी तो मेरी एडमिट फाइल नहीं बनेगी। वो कह रहे कि यार मेरे ना गल करो, मेरा दिमाग ना खाओ, तो तुम इतों ला जाओ, तुम्हें रैफर करता अमृतसर, तुम अमृतसर लैके जाओ। जोड़े डॉक्टर हूँ ड्यूटी पर है मौके पर, असी मंगा ही करने कि अज ब्लड डोनर सोसायटी जी समाज सेवी संस्थावान उन्हें इस तरह का बिहेव हो रहा, तो कोई आम पेशेंट आ आम पब्लिक आ उन्हें नाल की करते हो गए। असं यही चाहते हैं कि इस चीज़ को दुरुस्त किया जाए, हर किसी को जो ट्रीटमेंट सही मिले। सर साडा पेशेंट परसों एडमिट होया सी एमरजेंसी वार्ड दे विच, पहला इहदा मैडिकल होया, मैडिकल करन तो बाद इन्होंने कहा सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन करा के एक्सरे लई भेजा, फिर सानू मतलब इहदे सट ज़्यादा लग गई ही, उन्होंने सानू रैफर करता, इहदी अख की प्रॉब्लम ज़्यादा निकल आई, बाकी आई स्पैशलिस्ट नूं दिखाया, उन्होंने कहा भी तुसीं अमृतसर गुरु नानक देव होस्पिटल च उन्होंने दिखाओ, तो बाकी असी परचा दर्ज कराता थाना कानवा दे विच, उन्होंने अपनी बनती कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी कार्रवाई हुण इहदी रिपोर्ट आने तो बाद अख की जिहड़ी प्रॉब्लम है सीरीयसनैस है उस तो बाद ही अगली बनती कार्रवाई होगी।
hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway. कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए, उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम।